बच्चों, इस वीडियो में हम नक्शा पढ़ने के बारे में और सीखेंगे। सभी लोग स्कूल से सैर पर गए थे, लेकिन चंदा बीमार थी, इसलिए वो सैर पर नहीं जा पाई। सैर से लौटते वक्त अप्पू ने वहाँ से चंदा के लिए उस जगह का एक नक्शा ले लिया। वो चंदा को बताना चाहता था कि उसने वहाँ क्या क्या देखा। अप्पू चंदा के घर गया और उसे अब वो नक्शा दिखा रहा है। वो चंदा को बता रहा है, पहले उनकी बस पार्किंग में रुकी, क्योंकि उनका सफर काफी लंबा था। सभी लोगों को भूख लगी थी, इसलिए वे कैंटीन ढूंढने लगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कैंटीन पार्किंग से किस दिशा की तरफ है? बिल्कुल सही उत्तर, नॉर्थ की तरफ। बच्चों, आपको मैप पर बना दिशा सूचक कंपास दिख रहा है ना? सभी लोग उत्तर की तरफ चल कैंटीन तक पहुंच गए। वहां सब खूब स्वादिष्ट भोजन खाया। अब कुछ लोग क्रिकेट मैदान की तरफ निकल पड़े, तो कुछ लाइब्रेरी में आयोजित एग्जीबिशन को देखने चले गए। चंदा क्रिकेट मैदान को नक्शे में देख हैरान रह गई। उसने गोलू से कहा कि लाइब्रेरी तो क्रिकेट मैदान से काफी छोटी नजर आ रही है। क्या वो उसे बता सकता है कि क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल लाइब्रेरी के क्षेत्रफल से कितना गुना है? आइए हम चंदा को ये उत्तर ढूंढने में मदद करें। बच्चों, क्या आपको वर्गों की सहायता से किसी भी आकार के क्षेत्रफल एरिया को ढूंढने की प्रक्रिया याद है? इस प्रक्रिया में हम किसी भी आकार में आ रहे समान वर्गों स्क्वायर्स की संख्या से उनके क्षेत्रफल एरिया का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम क्रिकेट मैदान को देखें तो वो 12 वर्गों स्क्वायर से बना है, वहीं लाइब्रेरी सिर्फ 4 वर्गों स्क्वायर से बनी है। इस तरह क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल एरिया हुआ 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, और लाइब्रेरी का हुआ 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या आप बता सकते हैं कि क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल लाइब्रेरी के क्षेत्रफल से कितने गुना टाइम्स ज्यादा है? आप वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल एरिया लाइब्रेरी के क्षेत्रफल एरिया से 3 गुना टाइम्स है। चंदा ये जानकर चौंक जाती है कि क्रिकेट मैदान इतना बड़ा है। गोलू उसे कहता है कि क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ी एक और जगह है, और वो चंदा को उस जगह का नाम बताने को कहता है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। बच्चों, क्या आप भी चंदा के साथ इस जगह को नक्शे पर ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, फुलवारी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। चंदा गोलू से कहती है कि उसे हर जगह पर रोड नजर आ रहा है। सभी जगहों की कम से कम एक तरफ रोड है। तब गोलू उसे कहता है कि एक ऐसी जगह है जिसकी कोई भी तरफ रोड नहीं है। क्या आप नक्शे में इस जगह को ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, फाउंटेन के किसी भी तरफ रोड नहीं है। गोलू ने चंदा को बताया कि फिर उन सभी ने छिपन छिपाई का खेल खेला। गोलू खेल के मैदान के गेट के पीछे छिप गया था, और शेर खान उसकी ठीक सामने वाली जगह में छिपा था। क्या आप बता सकते हैं कि शेर खान कहाँ छिपा था? बिल्कुल ठीक, खेल के मैदान के ठीक सामने पार्क है, इसलिए शेर खान पार्क में छिपा था। चंदा को भी अब लग रहा था कि वो जगह खुद घूम कर आई है, और उसने गोलू को धन्यवाद कहा। बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज कर अपने दोस्तों के साथ इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का खेल खेल सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने नक्शा पढ़ने के बारे में और सीखा।